रखना, अपना चैनल का आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है, कोई आपका कितना भी खास हो। अब बेटी तो है नहीं, घर गांव की बहू है, अब नहीं कुछ कर पाएंगे तो गांव घर के लोग मजा लेंगे कि अरे उनकी बहू ये कर रही थी वो कर रही थी। कमेंट के माध्यम से हम आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, जितना आप हमारे पास होंगे, आपके चैनल को हम देखेंगे क्या समस्याएं आ रही। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर से एक और भाभी जी हमारे घर पे आई हुई हैं। चैनल से रिलेटिव काफ़ी समस्याएं थी उनको, और चैनल पे किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉलिसी है यूट्यूब की, वो सारी जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी। आखिरकार कौन सी वो भाभी जी आई हैं, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और बातचीत करेंगे। बातचीत के माध्यम से सारी अपडेट्स आप लोग को देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर है, आप लोग को भी कुछ सीखने का प्रयास मिलेगा। और काफ़ी ऐसी भाभियाँ हैं, काफ़ी ऐसे भाई लोग हैं जो बराबर परेशान होते हैं यूट्यूब चैनल को लेकर, मोनेटाइज कैसे करना है, चैनल पे किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से काम करना है यूट्यूब पे। तो तमाम सारी समस्याएं सबके साथ आती हैं, मेरे साथ भी आती हैं, लेकिन हम सभी लोग उसको कहीं ना कहीं से ठीक करने का प्रयास करते हैं। चलिए बातचीत करवाते हैं, मिलवाते हैं आप लोगों से, आखिरकार वो कौन है। आइए इस वीडियो को यहीं से करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से इस वीडियो को देखना है तो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग को बता दें, ये हैं वो भाभी जी। हाँ, हेलो, कैसी हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? लोनिया पट्टी से। अच्छा, क्या समस्या हो रही थी आपके साथ? समस्या क्या हो रही थी भैया, यही व्यूज नहीं जा रहा था, और फिर क्या नाम से वास्ट टाइम के बारे में कुछ समझ में नहीं हमारे आ रहा था, हम बहुत परेशान थे। और फिर हमें कोई बताया कि वहीं पे आप चले जाओ, मतलब उनको पता है, तो इसलिए हम आपके पूछते पूछते चले आए आपके पास। अच्छा, आने में कोई समस्या नहीं हुई आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, इतना भी दूर नहीं हमारे घर से, आप तो पास में ही हैं। अच्छा। हमको पहले पता होता तो हम इनसे उनसे थोड़ी ना कहते, हम बहुत परेशानी झेले हैं पता करने के लिए। अच्छा अच्छा। बहुत लोगों से बोले हैं तो जानती है ना, कोई किसी का नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये बताइए हमको, जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ली, ठीक है, काम कैसे करती थी और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आया करती थी? समझ में क्या क्या नहीं आता था, सच में समझ में नहीं आता था, कैसे करें क्या करें, न तो हमें टाइटल बनाने आता था, न तो हमें मतलब कुछ आता ही नहीं था। कुछ आता ही नहीं था, बस केवल वही वीडियो बनाते थे, बना के डाल देते थे, न सब्सक्राइबर बढ़ते थे, न वॉच टाइम बढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा अच्छा। तो मतलब कोई रिलेशन में थे तो फोन पे जब बात करते तो बोलते स्क्रीन शॉट लेके किसी और का वीडियो भेजते कि देखो ऐसे टाइटल डाला करो, तो सोचे कैसे कैसे टाइटल डाले, तो सोचते मतलब यूट्यूब पे सर्च कर करके ऐसे ही देखते देखते थोड़ा थोड़ा बनाने लगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपना बढ़ने लगे। अब सब्सक्राइबर पूरा हो गए तो वॉच टाइम नहीं हो रहा है, तो उसकी दिक्कत हो रही है, उसका भी टेंशन हो रहा है, एकदम दिमाग एकदम खराब हो जाता सोचते सोचते, और हम सोचते हैं कि कैसे करें क्या करें। अच्छा अच्छा। यही सोचते सोचते दिमाग एकदम खराब हो गया, फिर किसी से पता चला भैया के बारे में, हम सोचे भैया से थोड़ा मिलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं जी। कोई ज्यादा खास दूर भी तो नहीं है, पास में ही तो है, रिलेशन में ही है। चलिए फिर कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा क्या क्या समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता था, और आपको बता दें तमाम ऐसे क्रिएटर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, और वो लोग बराबर हमको कमेंट करते रहते हैं। देखिए, कमेंट के माध्यम से हम आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, जितना आप हमारे पास होंगे, आपके चैनल को हम देखेंगे क्या समस्याएं आ रही हैं क्या नहीं आ रहा है, जब तक हम उस समस्याओं को नहीं देखेंगे तब तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। ऐसे में ये किरण जी हमारे पास और हमारे बीच में हैं, चलिए जानते हैं इनके चैनल का क्या नाम, क्या नाम है आपके चैनल का? किरण 207 ब्लॉग करके इनका चैनल है, आप लोग जाइए इनके चैनल पे विजिट करिए और बहुत ढेर सारा इनको प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कहीं कहीं हर क्रिएटर को आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, अगर आप लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनको उनकी वीडियोस को नहीं देखेंगे तो वो लोग अतः निराश होकर अपने कार्यों को बंद कर देंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जाइए इनके चैनल पर विजिट करिए। अच्छा, आप किस तरीके का वीडियो बनाती हैं अपने चैनल पर? वीडियो बनाते हैं भैया, मतलब शॉर्ट में वीडियो डालते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा नाच लेते भी हैं। अच्छा। और
ब्लॉग भी बना लेते हैं और किसी का साथ पाते थोड़ा मोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं, नहीं तो फिर अकेले वीडियो बनाते हैं। चलिए, ज्यादातर हम शॉर्ट में ही बनाते हैं, मतलब खुल के बनाते हैं। तो अब से आप लॉन्ग वीडियो भी बनाइएगा, आपका बहुत जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो आप ट्रिक लगाइएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। जो समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं वो समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, मेरी यही कामना है ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी आपकी चैनल आपका चैनल मोनेटाइज हो। और जितने ऑडियंस देख रहे हैं भरपूर प्यार और आशीर्वाद इनको दीजिएगा ताकि ये जल्दी से अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। और दोस्तों आपको बता दें कि तमाम सारी ऐसी भाभियाँ हैं, तमाम सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होता है और आए दिन लोग बाग उनके साथ ठगी करते हैं, उनसे अपना चैनल आईडी पासवर्ड भी लेते हैं, कुछ पैसे का भी डिमांड करते हैं। और इस चक्कर में जो हमारे भोले भाले क्रिएटर हैं वो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, अपने चैनल का आईडी पासवर्ड भी दे देते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं, साथ ही साथ उनका चैनल हैक कर लिया जाता है और उनके हाथों से चैनल छिन जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना, अपना चैनल का आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है, कोई आपका कितना भी खास हो, ये बात आप समझ लीजिए, है कि नहीं भाभी जी? आपको भी नहीं देना है। हम हर किसी क्रिएटर को मना करते हैं कि आप लोग को अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए इस काम को करिए और अपने चैनल को बचा के रखिए। आपको करना है काम, आपको सीखने की जरूरत है। जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे सहयोग हो पाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को इन भाभी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग हमारा फुल सपोर्ट कीजिए और किरण 207 हमारा ब्लॉग्स है, आप लोग हमारी आईडी को देखिए, हमारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग हमारा बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी भैया की तरह हो जाए, क्योंकि हम बहुत आशा लेके आए हैं भैया के यहाँ और समझ लो बहुत परेशानी झेलते हैं। अब बेटी तो है नहीं, घर गांव की बहू है, अब नहीं कुछ कर पाएंगे तो गांव घर के लोग मजा लेंगे कि अरे उनकी बहू ये कर रही थी वो कर रही थी, कुछ कर नहीं पाई, इसलिए बहुत टेंशन में दिमाग रहता है और रहती हूँ। आपको बता दें अभी किस टाइप का इनका डांस प्रोग्राम होता है, छोटा सा क्लिप आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आप लोग को वीडियो बनाने का यह मकसद था कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी के बातों में ना आए, अपने चैनल को ध्यान देते रहें। तो इनका एक इंटरव्यू वीडियो हमारे दूसरे वाले चैनल पे आ जाएगा, जौनपुर पॉडकास्ट पे। आप लोग उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाइए सब्सक्राइब करिए, बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। इनकी पूरी जर्नी है उस वीडियो में कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया पे आए, किस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्या क्या समस्याएं, तमाम सारी बातें उसी वीडियो के माध्यम से है। सो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी कोई यूट्यूब क्रिएटर परेशान ना हो। चलिए, ज़्यादा कुछ न कहते हो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।